एक गांव था। वहां एक मूर्तिकार रहता था। एक बार मूर्ति बनाने के लिए उसे कुछ पत्थरों की आवश्यकता थी, तो वह जंगल की ओर जाता है। वह जंगल में इधर उधर पत्थर की तलाश करता है, तो उसे एक पत्थर दिखाई देता है जो मूर्ति बनाने के लिए एकदम सही था। वह उस पत्थर को उठा के अपनी गाड़ी में रख लेता है। कुछ दूर जाने पे उसे एक और पत्थर दिखाई देता है और वह उसे भी उठाकर अपनी गाड़ी में रख लेता है और अपने गांव की ओर चल देता है। जब वह चोट मारने लगता है तभी उस पत्थर में से आवाज आती है, रुको रुको, कृपा करके रुको। मूर्तिकार इधर उधर देखता है, उसे समझ नहीं आता कि यह आवाज कहां से आ रही है। रुको रुको, कृपा करके मुझ पे हथौड़ा मत चलाओ, मुझे हथौड़े के मार से बहुत डर लगता है। अगर तुम मुझ पे हथौड़ा चलाओगे तो मैं टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, कृपा करके मुझे छोड़ दो और किसी और पत्थर से मूर्ति बना लो। उसे उस पत्थर पर दया आ जाती है और वह उस पत्थर को छोड़कर दूसरा पत्थर उठा लेता है। ये पत्थर बढ़िया लग रहा है, इससे मूर्ति बनाता हूं। यही सोचकर वह पत्थर पर जोर जोर से चोट करना शुरू करता है और इस बार पत्थर से कोई आवाज भी नहीं आती है और कुछ ही देर में मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। कुछ दिनों के बाद गांव के मंदिर में मूर्ति की स्थापना का दिन आता है। कुछ गांव वाले मूर्तिकार के घर जाते हैं और बोलते हैं, अरे भैया मोहन, क्या तुमने मूर्ति बना दी मंदिर में स्थापना के लिए? हाँ हाँ, वो तो मैंने 2 दिन पहले ही बना ली थी, मैं तो आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है मोहन, चलो हम सब ये मूर्ति उठाकर उस मंदिर में स्थापना के लिए चलते हैं। अरे भाई रुको रुको, मूर्ति के आगे एक पत्थर और भी तो रखना पड़ेगा जिसपे लोग नारियल फोड़ सकें। वह व्यक्ति इधर उधर देखता है ताकि उसे कोई पत्थर मिल सके। तभी उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ती है जिसे मूर्तिकार ने छोड़ दिया था और वह व्यक्ति उस पत्थर को उठा लेता है। ये पत्थर बढ़िया लग रहा है और मजबूत भी है, जब इसके ऊपर लोग नारियल फोड़ेंगे तो झट से नारियल फूट जाएगा। और सब गांव वाले मंदिर की ओर चल देते हैं। तभी उस पत्थर में से जोर जोर से आवाज आती है, अरे रुको रुको मूर्ख लोगों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हे भगवान मुझे बचाओ, मुझे तो कहीं नहीं जाना, मुझे तो कठिन परिस्थितियों से बहुत डर लगता है, मैं इनका सामना कभी नहीं कर सकता, हे भगवान मुझे बचाओ, आज तो मैं मर ही गया, हे भगवान मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। रास्ते भर वह पत्थर बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। तभी सब गांव वाले मंदिर पहुंच जाते हैं और मूर्ति की स्थापना कर देते हैं और उस पत्थर को उसके आगे रख देते हैं। फिर सब लोग उस मूर्ति की पूजा करना शुरू कर देते हैं। मूर्ति बना हुआ पत्थर इससे बहुत खुश हो जाता है। लोग उस पत्थर को दूध से स्नान करवाते हैं, उसे चंदन का लेप लगाते हैं और उसके ऊपर फूल चढ़ाते हैं। ये सब देखकर दूसरा पत्थर मूर्ति बने हुए पत्थर से बोलता है, अरे भाई तुम्हारे तो बहुत मजे हैं, लोग तुम्हें तो दूध से स्नान करवा रहे हैं, तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर फूलों की बारिश कर रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी तो बढ़िया है। तभी एक व्यक्ति उस पत्थर पर जोर से नारियल फोड़ता है, अरे मर गया, हाय मैं तो मर गया, हाय मेरी कमर तो टूट ही गई, हे भगवान मुझे बचाओ। अरे मूर्ख व्यक्ति मेरे ऊपर नारियल क्यों फोड़ रहा है? भगवान को नारियल चढ़ाने का इतना ही शौक है तो अपने सर से क्यों नहीं फोड़ लेता तू नारियल? तभी एक और व्यक्ति उस पत्थर पर नारियल फोड़ता है, हाय हाय मर गया, आज तो मेरी शामत ही आ गई,
हे भगवान, मुझे कहाँ फंसा दिया आज आपने। मैं तो जंगल में पेड़ की छाँव के नीचे मजे से आराम कर रहा था, यह आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। हाय हाय, मैं तो मर गया। ये सारे मूर्ख व्यक्ति मेरे ऊपर बारी बारी से नारियल फोड़ फोड़ कर मुझे मार ही डालेंगे। यह सब देखकर मूर्ति बना पत्थर उस पर जोर जोर से हंसता है। तुम तो बहुत खुश होगे ही, तुम्हारी सेवा जो हो रही है, तुम्हें तो मिठाइयां खाने को मिल रही है, और यहां तो मेरी कमर की हालत बिगाड़ दी इन इंसानों ने। हाय हाय, बहुत दर्द हो रहा है, कोई मलहम ही लगा दो। तब मूर्ति बना हुआ पत्थर उस दूसरे पत्थर से बोलता है, दोस्त, तुमने भी अगर उस दिन पहला प्रहार सह लिया होता तो आज तुम मेरी जगह होते और लोग तुम्हारी भी पूजा कर रहे होते, तुम्हें भी दूध मक्खन से स्नान करवा रहे होते, तुम्हारी भी पूजा हो रही होती। लेकिन तुम उस दिन डर गए, तुमने उस दिन आसान रास्ता चुना और आज तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम जब भी किसी परिस्थिति से डर के कोई भी आसान रास्ता चुनते हैं तो उस वक्त तो हमें बहुत सुकून और आराम मिलता है, पल भर के लिए खुशी भी मिल जाती है, किंतु आगे की राह और भी ज्यादा कठिन हो जाती है मेरे दोस्त। तब उस पत्थर को अपनी भूल का एहसास होता है और वह मूर्ति बने पत्थर से बोलता है, पत्थर, मुझसे गलती हो गई, मैं समझ चुका हूं, जो लोग मुश्किल परिस्थितियों से नहीं घबराते और उनका सामना करते हैं, लोग उन्हीं को सम्मान देते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं। आपने उस हथौड़े की चोट सही, कठिन परिस्थितियों का सामना किया, इसीलिए लोग आज आपकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप अवश्य ही ईश्वर हैं भगवान, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैं अब किसी भी कठिन परिस्थिति से नहीं घबराऊंगा भगवान, मुझे शक्ति दे भगवान। तभी मूर्ति में से आवाज आती है, जो व्यक्ति जिंदगी में मेहनत करता है, सही रास्ते पे चलता है और कठिन परिस्थितियों से नहीं घबराता और दृढ़ता से उसका सामना करता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। तभी एक व्यक्ति उस पत्थर पर जोर से नारियल फोड़ता है। इस बार वह पत्थर अपनी आंखें बंद करके जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलता है और नारियल फूट जाता है। जब वहां पत्थर अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि नारियल तो फूट गया और इस बार उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, तो वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और भगवान को वचन देता है, हे भगवान, मैं आगे से कभी भी किसी कठिन परिस्थितियों से नहीं भागूंगा, बस आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा। नारियल फूटने की वजह से नारियल का पानी उस पत्थर को भी पीने को मिल जाता है और लोग भगवान को भोग लगाने के बाद मिठाई को भी उस पत्थर पर रख देते हैं, जिससे उस पत्थर को मिठाई खाने को भी मिल जाता है। तब भगवान उसे बोलते हैं, देखा तुमने, आज मुश्किलों का सामना किया तो उसका फल भी तुम्हें मिलने लगा है ना? हाँ भगवान, आप सही बोल रहे हो। मॉरल, कठिन वक्त सबकी जिंदगी में आता है, आज नहीं तो कल जरूर आएगा, लेकिन उस कठिन वक्त का सामना करने के लिए क्या आप तैयार हैं? अपनी जिंदगी का मजा जरूर लीजिए, लेकिन पहले आगे आने वाले कठिन दिनों की तैयारी करने के बाद, क्योंकि जब कठिन वक्त आता है तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, एक बार सोचिएगा जरूर। अक्सर चुनौतियों से, संघर्षों से हम डरते हैं, लेकिन संघर्ष ही तो है जो हमें और अधिक मजबूत करते हैं और जिंदगी की कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत देते हैं और हमें सक्षम बनाते हैं कुछ भी कर पाने के और कुछ भी कर गुजरने के।
इसलिए जिंदगी में कभी भी कोई चुनौती आई तो उसे घबराइए मत, बल्कि हंसकर उसका सामना कीजिए। ये कहानी कहीं ना कहीं अगर आपके दिल को छुए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। ह्यूमैनिटी शुड बी आर रेस, लव शुड बी आर रिलीजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।